हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव IAS। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम 16 सितंबर का जो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने डाले थे टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे, उनके एक्सप्लेनेशंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट दयानंद सरस्वती? दयानंद सरस्वती के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट है, दयानंद सरस्वती लॉन्च्ड अ फ्रंटल अटैक ऑन हिंदू ऑर्थोडॉक्सी। दयानंद सरस्वती ने हिंदू जो ऑर्थोडॉक्सी थी, हिंदू जो ऑर्थोडॉक्स पीपल होते थे, कंजर्वेटिव होते थे, पुरानी सोच के रूढ़िवादी जो होते थे, उन पर काफ़ी अटैक किया। सेकंड स्टेटमेंट है, दयानंद सरस्वती सपोर्टेड वैदिक नोशन ऑफ चतुर्वर्ण सिस्टम। चतुर्वर्ण सिस्टम नहीं होता था, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, उनको उस सिस्टम को ही सपोर्ट करते थे। तो एक बात यहाँ पे समझिए कि दयानंद सरस्वती के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि ये काफ़ी वेदास को काफ़ी सपोर्ट करते थे, और वेदास कब के थे? आपके अर्ली वैदिक पीरियड के। लेटर वैदिक में तो पुराण आए, उपनिषद आए और भी चीज़ें आईं। तो अर्ली वैदिक सोसाइटी की जब हमको क्लू मिलता है, वेदा को अगर ये पसंद करते हैं तो क्लू मिलता है कि इनको सोसाइटी भी वैसी पसंद रही होगी जो अर्ली वैदिक में रही होगी, और अर्ली वैदिक में वर्ण सिस्टम तो चलता ही था। तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही हो जाता है। पहला स्टेटमेंट की बात करें तो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को, उस टाइम की जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थी, उन पर अटैक करते थे। हिंदू ऑर्थोडॉक्सी उस टाइम क्या थी? वो कहते थे जो तरह तरह के रिचुअल्स होते थे, आप जानते हैं तरह तरह के, मतलब जो सेक्रीफाइस होते थे, उन सबको ये जो है पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अर्ली वैदिक सोसाइटी में ऐसा नहीं होता था और वेदास इनको सपोर्ट नहीं करते हैं मोस्टली। तो इसलिए एक क्लू मिल जाता है और इसलिए दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट साबित होते हैं। दयानंद सरस्वती के बारे में बोलूं तो कहते थे बैक टू वेदास। सत्यार्थ प्रकाश नाम का इनका जनरल था, और बैक टू वेदास का मतलब ये नहीं है कि वैदिक जो टाइम है उनकी तरफ चले जाओ, वैदिक टाइम को ले आओ। इसका मतलब था बैक टू वैदिक लर्निंग को वापस लेके आओ। और ये ऐसे कहते थे कि स्ट्रगल आपको खुद को करना पड़ेगा, माया नियति ये सब तो थियोरिटिकल बातें हैं, इस वर्ल्ड में आपको अपने सालवेशन के लिए, लिब्रेशन के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खून पसीना एक करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा ये पुरानास को थोड़ा सा ये जो है इतनी इज्जत नहीं देते थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे। वेदा को सबसे ज़्यादा ये उस स्पिरिचुअल मानते थे, वेदा को स्पिरिचुअल अथॉरिटी मानते थे, सुप्रीम, इसके ऊपर कुछ भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, रामकृष्ण मिशन रिकोगनाइज द यूटिलिटी वैल्यू ऑफ इमेज वर्शिप। रामकृष्ण मिशन जो इमेज वर्शिप होती थी उनकी कीमत और उनकी उपयोगिता को समझते थे। आर्य समाज क्रिटिसाइज्ड इमेज वर्शिप एंड आइडोलेट्री, और उल्टा आर्य समाज इनको क्रिटिसाइज करते थे। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि रामकृष्ण मिशन के बारे में आप पढ़ेंगे तो रामकृष्ण जी परमहंस जो थे उनके बारे में पढ़ने का मौका आपको मिलेगा, और काफ़ी बहुत ही स्पिरिचुअल उनकी काफ़ी शानदार पर्सनैलिटी थी। काली माँ के मंदिर में ये रहते थे और जाहिर सी बात है कि काली माँ की मूर्ति की पूजा करते थे। तो रामकृष्ण मिशन जो है, जो रामकृष्ण परमहंस के बेस पे ही बनाया था स्वामी विवेकानंद ने, ये इमेज वर्शिप की पूजा तो फिर करेगा ही, इमेज वर्शिप पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते ही थे स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। आर्य समाज क्रिटिसाइज करते थे वर्शिप और आइडोलेट्री, मैंने अभी भी समझाया। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज खोला था, आर्य समाज दयानंद सरस्वती की ही बातों पर चलता था कि अर्ली वैदिक सोसाइटी, वेदास, और आपको पता है अर्ली वैदिक सोसाइटी में अगर आपने एंशियंट एशियन ढंग से पढ़ी होगी तो आइडोलेट्री और इमेज वर्शिप नहीं चलती थी। सिंबल्स वगैरह होते होंगे पर आइडोलेट्री या इमेज वर्शिप यानी मूर्ति पूजा जो होती थी, आइडोलेट्री वो नहीं होती थी। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे दोनों में कोई भी गलती नहीं है। 50% लोगों ने इसको सही किया है, तो मुझे लगता है एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से, खास करके ये मूवमेंट्स, तो काफ़ी सही हो जाएगा रिलीजियस वाले अगर कर लोगे तो। चूज द करेक्ट ऑप्शन, दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश स्टार्ट किया, कृष्णदास मूलजी ने सत्य प्रकाश स्टार्ट किया, बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने किया, सत्य प्रकाश कृष्णदास कुलजी ने किया, ये याद रखिए। ठीक है, इनकी टेबल बना लीजिए चाहे से। चूज करेक्ट ऑप्शन, आर्टिकल 340 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। भारत का संविधान आर्टिकल 340 में ये कहता है, अनुच्छेद 340 में,
कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन कैसे बनाए जाएंगे और किस तरह की कंडीशन जो है उनके अपॉइंटमेंट के लिए होंगी। सही है, प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर अपॉइंट अ कमीशन। प्रेसिडेंट जो है कमीशन को अपॉइंट करेगा, उसमें ऐसे पर्सन्स होंगे जिनको सोचेगा कि ये फिट है उनकी कंडीशन इन्वेस्ट करने के लिए जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, मैंने काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं डाले हैं, सबके मोस्टली सी ही आंसर आपको दिखेंगे। मैं थोड़ा अब जो है मॉडरेट अप्रोच लेके चल रहा हूँ, आपको रिवाइज करने के नाते से क्वेश्चन डाल रहा हूँ, ना कि आपकी नॉलेज चेक करने के लिए, ताकि आपको रिवाइज भी होता रहे और आप पैनिक भी ना हो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज चेयर्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। देखिए आप मुझे बताइए, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, पहले तो बताइए डिजास्टर मैनेजमेंट कौन सी लिस्ट में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है, कि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, किस में आता है? रेसिड्यूरी पावर है डिजास्टर मैनेजमेंट। रेसिड्यूरी पावर किसके हाथ में? सेंटर के हाथ में, सेंटर के हाथ में है ना अभी रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी पावर क्या होती है? मतलब ऐसी चीज़ जो तीनों लिस्ट में नहीं आई हो, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, वो चीज़ अगर इमरजेंसी हो तो रेसिड्यूरी पावर बन जाती है। मतलब एक तरीके से जो इनके बाहर है वो रेसिड्यूरी पावर ही होती है, और इसलिए इसको सेंट्रल के हाथों में दिया गया है ताकि मान लो इमरजेंसी हो और फटाफट कानून लाना तो खिचखिचाहट नहीं हो स्टेट और सेंटर के बीच में, पहले से तय हो कि केंद्र सरकार माने सेंट्रल गवर्नमेंट ही यहाँ पे पूरी तरीके से अधिकारी होगी, राइटफुल होगी इसको, इसके ऊपर लॉ लाने के लिए, टू इनेक्ट अ लॉ ऑन दिस टॉपिक ऑफ रेसिड्यूरी पावर। तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करें तो नेशनल लेवल पर होती है, स्टेट लेवल पर होती है। नेशनल लेवल पर कौन चेयर करता है? हमारे प्रधानमंत्री। और स्टेट पे कौन करता है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की कुछ अलग बात है, क्योंकि एक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो एक्ट था, डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट था उसमें साफ दे रखा है कि दिल्ली जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी उसके चेयरमैन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली होंगे, तो सीएम नहीं होता दिल्ली में। अब आप बोलेंगे कि अच्छा ये यूनियन टेरिटरी इसलिए, देखिए आप कह तो सकते हैं लेकिन पौंडीचेरी भी एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन उसको चेयर को तो सीएम ही करता है। केवल दिल्ली ही एक यूनियन टेरिटरी है, पौंडीचेरी को भी नहीं मान लो, पौंडीचेरी को भी सीएम ही करता है, लेकिन दिल्ली ऐसी है जिसको चेयर लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है, बाकी सबको सीएम करता है, चाहे पौंडीचेरी हो चाहे बाकी सारे स्टेट्स हो, समझ रहे हैं ना आप। बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज में तो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी को छोड़ दें तो बाकियों में तो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, तो उनमें तो वही होते हैं, लेकिन असेंबली किस किस में है? दिल्ली और पौंडीचेरी में असेंबली यानी सीएम भी होगा, तो पौंडीचेरी का तो सीएम ही है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन, लेकिन दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर, नेशनल का सीएम है और स्टेट के क्या होते हैं? सीएम मोस्टली, याद रखेंगे आप, आशा करता हूँ मैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बताइए। आर्टिकल 1 में हमारे भारत के संविधान में डिस्क्राइब्स दैट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंसिस्ट ऑफ टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और एनी टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड। हमारे संविधान में आर्टिकल 1 में क्या क्या बता रखा है कि इंडिया की जो टेरिटरी होगी उसमें स्टेट्स की टेरिटरी इंक्लूड होगी, यूनियन टेरिटरीज होगी और ऐसी टेरिटरी जो हम फ्यूचर में एक्वायर करने वाले हैं या कर लेंगे। बिल्कुल सही, कोई गलत नहीं है इसमें। द नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बात समझिए कि नेम जो है स्टेट और यूनियंस के वो हमारे फर्स्ट शेड्यूल में है, फर्स्ट आर्टिकल में नहीं है। आर्टिकल 1 में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है जितना पहले स्टेटमेंट में, कि ये है होंगी स्टेट्स की टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी और एनी टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर, फ्यूचर टेरिटरी। इसके अलावा कौन सी टेरिटरी, नाम लेखा जोखा कुछ नहीं है, केवल इतना दे रखा है नाम लेखा जोखा कहाँ है स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज का शेड्यूल फर्स्ट में। तो पहला ही स्टेटमेंट हमारा सही होता है यहाँ पे, तो याद रखिएगा पहला स्टेटमेंट सही है। करीब 25% बच्चों ने सही किया, 1000 बच्चों में से। तो ये एक बार जो जो बच्चे क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं एक बार पढ़ लें उस हिसाब से टॉपिक को। सरफासी एक्ट के बारे में सही स्टेटमेंट बताना है, सरफासी एक्ट 2002। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि इसकी मदद से बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी उनके बोरोवर्स पैसे नहीं चुका पाते, लोन नहीं चुका पाते, उनकी कमर्शियल प्रॉपर्टी को बेच देते हैं टू ऑक्शन ओनली कमर्शियल प्रॉपर्टीज, इसमें लिखा हुआ है, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि देखो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी सोल्ड कर सकते हैं इस एक्ट में, अगर आपने पढ़ा होगा तो। और जहां तक आपको पता है, इतना तो आपको पता है कि ओनली जब भी है ओनली, ड्रास्टिक, इमीडिएटली, ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स के साथ आपको सतर्क हो जाना है। हालांकि इनको हर क्वेश्चन में आपको यूज में नहीं लेना है, क्योंकि आजकल बहुत सारे क्वेश्चन लॉजिक पे भी होने लग गए, जिनमें आप श्योर शॉर्ट नहीं हो उनमें आप ये यूज ले सकते हो, और आपको लग ही रहा हो कि यार ओनली तो हो ही नहीं सकता, तब इनको मान सकते हो। तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज ही नहीं बल्कि रेसिडुअल प्रॉपर्टीज भी जो है ऑक्शन पे आती है, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारे यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा है,
इट इनेबल्स बैंक्स टू रिड्यूस देयर एनपीए बाय अडॉप्टिंग मेजर्स फॉर रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन. बैंक्स अपने एनपीए घटा सकते हैं रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन जैसे मेजर्स अपना के. बिल्कुल से. इट इज़ इफेक्टिव ओनली सिक्योर लोन्स वेयर बैंक्स कैन इन्फोर्स द अंडरलाइंग सिक्योरिटी. सिक्योरिटी सिक्योर लोन्स के अगेंस्ट ये काम करते हैं जहाँ पे बैंक के पास एक अपनी सिक्योरिटी होती है, उनकी सिक्योरिटी उनके बैंक के पास होती है. सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या होता है? आपने कुछ लोन लिया, गिरवी रखा, तो सिक्योर्ड लोन हो गया. क्यों? क्योंकि आपने नहीं चुकाया तो सिक्योरिटी बेच देंगे, तो बैंक के लिए तो लोन सिक्योर्ड हो गया ना, सेफ हो गया. और आप ऐसे लोन ले रहे हो जिसमें आप कुछ ही कोलेट्रल जमा नहीं कर रहे हो, कुछ ही अपनी सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो, है ना, कोलेट्रल वगैरह नहीं दे रहे हो, तो बैंक के लिए तो अनसिक्योर्ड है ना, क्योंकि डूब भी गया तो क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा बैंक. तो सिक्योर लोन्स के अगेंस्ट ही होता है क्योंकि आप बेचोगे किसको भाई? सरफासी एक्ट में क्या है कि आप प्रॉपर्टी बेच सकते हो, इसकी इजाज़त जो है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे दी गई है. जब कोलेट्रल ही नहीं दी तो बेचोगे क्या? तो इसलिए सिक्योर लोन होना जरूरी है, तभी सरफासी एक्ट लगता है, वरना यू कांट डू एनीथिंग. तो यू हैव टू रिमेंबर दैट. इसमें आप पहला स्टेटमेंट अगर गलत माने और तो सी ओ डी तो एलिमिनेट हो जाता है और भी बचता है, और देखा जाए तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो बी इसका आंसर जो है होगा. चूज द करेक्ट ऑप्शन. एडजोनमेंट टर्मिनेट्स सिटिंग ऑफ हाउस विच मीट्स अगेन एट टाइम अपॉइंटेड बाय नेक्स्ट सिटिंग. जब भी एडजोनमेंट होता है हाउस की, हाउस का, तो उसकी सिटिंग टर्मिनेट हो जाती है और वो वापस उसी टाइम मिलता है जब जो है नेट सिटिंग आएगी. तो एक सिटिंग टर्मिनेट होकर नेक्स्ट सिटिंग आ जाती है, तो ये जो एडजोनमेंट होता है वो एक सिटिंग को टर्मिनेट कर देता है. प्रोग्रेशन मीन्स द टर्मिनेशन ऑफ सेशन ऑफ द हाउस बाय एन ऑर्डर मेड बाय द प्रेसिडेंट. प्रोग्रेशन का मतलब है कि हाउस का सेशन ही टर्मिनेट हो गया. सिटिंग और सेशन में फ़र्क पता है ना, सिटिंग एक दिन की होती है, सेशन पूरे होते हैं. सेशन मतलब आपके तीन सेशन आते हैं ना, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन. सेशन ही टर्मिनेट हो जाते हैं. तो ये पार्लियामेंट वाले चैप्टर लक्ष्मीकांत में आपके एडजोनमेंट, प्रोग्रेशन, सबसे पहले समन होता है, फिर एडजोनमेंट, फिर एडजोन सीनेडाई, फिर प्रोग्रेशन, फिर डिसोल्यूशन. तो चीज़ें याद रखिए. समन का मतलब होता है हाउस को बुलाना, सेशन को बुलाना, समन करना कौन करता है? प्रेसिडेंट. एडजोनमेंट मतलब मैंने आपको बताया सिटिंग को टर्मिनेट करना डेट देके. एडजोनमेंट सीनेडाई का मतलब यह है कि सिटिंग को टर्मिनेट करना बिना डेट दिए. सीनेडाई यानी परमानेंटली. एडजोनमेंट और एडजोनमेंट सीनेडाई कौन करता है? स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन, यानी कि आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर. फिर आता है आपका प्रोग्रेशन, फिर आता है आपका डिसोल्यूशन. ये प्रेसिडेंट ही करता है. कुल मिला के एक दिमाग में बैठा लो चीज़ कि समन, प्रोग्रेशन और डिसोल्यूशन प्रेसिडेंट करता है, एडजोनमेंट और एडजोनमेंट सीनेडाई प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है. क्या डिसोल्यूशन राज्यसभा का हो सकता है? नहीं. राज्यसभा का प्रोग्रेशन हो सकता है क्योंकि राज्यसभा के सेशन टर्मिनेट होते हैं. हाउस का भी टर्मिनेट नहीं होता क्योंकि हाउस का टर्मिनेट होने का मतलब इलेक्शन आ गया. राज्यसभा के इलेक्शन ऐसे नहीं आते. 1/3 लोग रिटायर होते हैं आपको पता है हर दूसरे साल, तो वही सीट्स भरती रहती है, भरती रहती है. पूरा हाउस का कभी पूरा हाउस डिसोल्यूशन नहीं होता कि चुनाव आ गए पूरा हाउस रुक गया, ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, याद रखिए. चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट अप्रिपरेशन बिल. समझ में आ रहा है ना आप सबको? तो ये याद रखिए चीज़ें. पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ, पहला स्टेटमेंट है कि अप्रोप्रिएशन जो है पहले लोकसभा में पास होता है फिर राज्यसभा में भेजते हैं इसको. बिल्कुल सही. राज्यसभा अमेंडमेंट रिकमेंड कर सकता है इसमें. बिल्कुल सही. लोकसभा इसको इसकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है जो राज्यसभा ने दिया. बिल्कुल सही. तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. ईजी क्वेश्चन था, पार्लियामेंट वाला चैप्टर रिवाइज करिए, हो जाएगा. चूज द करेक्ट ऑप्शन. सही कथन बताइए. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन. नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में भारत का संविधान बात नहीं करता है. दूसरा स्टेटमेंट, कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में संविधान बात करता है. कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन, अबाउट कॉन्फिडेंस मोशन. ठीक है. तीसरा स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 75 में ये दे रखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होंगे. अब एक बात समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात नहीं करता और कॉन्फिडेंस मोशन की बात नहीं करता. तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही हो जाता है. कॉन्फिडेंस मोशन की भी बात नहीं करता मैंने बोला, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है. और थर्ड स्टेटमेंट तो है ही, लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है, पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो ये भी ध्यान रखिएगा. कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. कॉन्फिडेंस मोशन खुद में अभी राजस्थान के जो अभी लफड़ा हो रहा था, अभी ये इतना जो हो रहा था डिस्प्यूट अभी अशोक गहलोत गवर्नमेंट और उनकी पार्टी के लोगों के बीच में, तो वो जो भी हो रहा था वो क्यों हो रहा था, वो जिस तरीके से मेजोरिटी के मामले में हो रहा था, तो क्या बोले अशोक गहलोत जाके गवर्नर को कि हमें जो है अपना ट्रस्ट वोट लेना है. ट्रस्ट वोट, कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, ये क्या है? ये गवर्नमेंट खुद जो है मूव करती है ये दिखाने के लिए कि भैया देखो हमारी औकात इतनी है, हमारी मेजोरिटी इतनी है. नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन मूव करता है या कोई भी कर सकता है, पर वो होता किस लिए कि तुम्हारी औकात बताओ, तुम्हारी मेजोरिटी कितनी है, पूछते हैं इसमें सरकार से. नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो ट्रस्ट वोट में सरकार से पूछा जाता है, परीक्षा ली जाती है. कॉन्फिडेंस मोशन में
ट्रस्ट वोट में सरकार खुद अपनी मर्जी से बताती कि भैया देखो हमारी इतनी मेजोरिटी है, खुद को जो है यहाँ पे चेक करने के लिए ऐसा कहा जाता, ऐसा किया जाता है, तो याद रखिए ठीक है। दोनों मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वन और थ्री ही सही होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, 17 सितंबर की मैं आज ही वीडियो ले आऊँगा, और अभी तक के जितने भी करवाएँ सब पूरी करते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड बाय, ख्याल रखिए, सब खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद से रहिए, बाय।